हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो कॉपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन बंद हुआ है 768 पे, लगभग 2.21% डाउन, लगभग 17 से 18 रुपए का लॉस देखा है हमने। मगर यहाँ जो है तो हमने ऊपर के भी अच्छे खासे लेवल देखे थे और ऊपर से अच्छे खासे प्रॉफिट बुक भी देखे हैं। तो शुरू करते हैं एनालिसिस विद अ मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो फॉर दिस मंथ कॉपर जो है तो लगभग 32 रुपए गेन के साथ ट्रेड कर रहा है, 4.31% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है अभी। और यह जो है तो लास्ट मंथ के लगभग 1.5% के लॉस के बाद हमने जो है तो अच्छा खासा बाइंग देखा है लोअर लेवल से, और ऊपर के भी अच्छे खासे लेवल देखे थे। और अभी जो है तो ऊपर से थोड़ा सा रिट्रेस होके 32 रुपीस गेन के साथ ट्रेड कर रहा है ऑन मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे स्ट्रांग दिख रहा है और यहाँ मुझे लगता है कि फिर से कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड मूव जो है तो कंटिन्यू कर रहा है कॉपर। तो हो सकता है कि जिस तरह से अभी प्राइस पैटर्न बन रहा है, क्योंकि हम जो है तो सुपर ट्रेंड से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है कि कॉपर में हमें रिकॉर्ड लेवल देखने को मिल जाए इस साल। ऊपर जो टारगेट बनेंगे वो 805, वो लगभग अचीव कर चुका है। उसके बाद में 850 और उसके बाद में 950 के टारगेट कॉपर के लिए बनते हैं। तो ऑलरेडी हम 800 का लेवल टच करने को गए थे और हमने हाई लगाया लगभग 792 के करीब। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे ये सेकंड वीकली गेन है कॉपर के लिए। लास्ट वीक जो है तो हमने कॉपर में 2.5% का गेन दिखा था, लगभग 19 रुपये गेन के साथ क्लोज हुआ था। इस वीक जो है तो हम 1.5% गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 12 रुपये ऊपर। और यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमने कॉपर में देखा है, मगर जो टारगेट था वो लगभग अचीव कर चुका था, 805 का टारगेट है। और हो सकता है कि आने वाली वीक में हम जो है तो फिर से उसको टच करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ नीचे जो है तो 743 का सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो ये जो रैली है ये टर्न अराउंड हो जाएगी। मगर फिलहाल जिस तरह से प्राइस पैटर्न है और इंडिकेटर पैटर्न है, मुझे लगता है कि हम यहाँ जो है तो 743 के ऊपर जो है तो बाय ऑन डिप्स रहना चाहिए और हमारा टारगेट रहेगा 805 रुपए का। डेली चार्ट पे देखते अभी तो क्या रीज़न था नीचे आने का, तो उसने ऑलरेडी सभी टारगेट अचीव कर लिए और हम ओवरबॉट पोजीशन में चले गए थे। तो यहाँ से अच्छा खासा प्रेशर आया है कॉपर पे और ये जो है तो ये प्रॉफिट बुकिंग शायद कंटिन्यू होगी। तो नीचे जो सपोर्ट है वो है लगभग 743 के अराउंड ही, तो उसको टच करने के लिए हम जा सकते हैं। तो यहाँ 743 से लेकर 739 के सपोर्ट जोन है और उसको हम टच करने के लिए फिर से जा सकते हैं। तो यहाँ मेरा व्यू रहेगा, कॉन्ट्रा व्यू लेना पड़ेगा आपको। यहाँ मेरा व्यू रहेगा सेल ऑन राइज का और मुझे लगता है कि इसको है ना फिर से सेल करना चाहिए। अगर ये बाउंस बैक करता है तो 780 टू 785 के बीच में आपको सेल करना है इसको, और ऊपर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 791 के ऊपर रहेगा। और नीचे जो है तो मुझे लगता है कि 740-745 के लेवल जो है तो कॉपर दिखा सकता है। ये जो ट्रेड रहेगा ये हाई रिस्क ट्रेड रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मगर मुझे लगता है कि कॉपर ने इस महीने के जो टारगेट थे वो अचीव कर लिए, अभी जो है तो टाइम टू रिट्रेस और टाइम टू करेक्ट है। और फिर से हम जो है तो 745 के लेवल के लिए टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि वहाँ से फिर से रिवर्सल आता है या नहीं। तो यहाँ करंटली जो ट्रेड बनता है अगले वीक के लिए वो कॉपर पे रहेगा बेरिश। हम सेल ऑन राइज भी रखेंगे 791 के या उसके करीब, जब भी मिलता है तो सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा जो हाई था 792 के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। प्रॉपर एंट्री रहेगी 785-790 के बीच में, मगर उतना बाउंस बैक देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है। मगर 785-790 के अराउंड मिलता है तो 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट जाइए, आपका टारगेट रहेगा 740-745। तो यहाँ ऊपर के सभी टारगेट अचीव करके अभी फिर से जो है तो कॉपर जो है तो करेक्शन के लिए तैयार है। और मैंने जैसे कहा था, मेरे अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने कहा था कि 801 का जो लेवल है वो बार बार टेस्ट करने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि अगले वीक जो है तो रिट्रेस होने के बाद फिर से हम जो है तो 801 का लेवल जो है तो टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। मगर आपको अगर बाइंग करनी है तो आपका बाय जोन रहेगा 740-745 के बीच में, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 731 के नीचे।
तो ये जो पिछला वीक का कैंडल था उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और जो टारगेट बनते हैं वो 801 से लेकर 805 के बनते हैं अगर आपका मीडियम टर्म भी है। मगर शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि हम जो है तो सभी टारगेट अचीव कर चुके हैं, तो अभी यहाँ टाइम टू रिट्रेस है, हम फिर से 740 के लेवल जो है तो कॉपर में आने वाले वीक में देख सकते हैं। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगले वीक। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.